आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर आपके होता है, जैसे यानी तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक राजनीति या विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें आपके जो पहला ही पार्ट है उसमें तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता के संबंध में पाठ है। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इन सभी को पढ़ चुके हैं। अब इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्ट क्वेश्चन हमें पढ़ लेने चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन हमें दो भागों में पढ़ना है, यानी पहले भाग में हमने इसको समझा और इसके जो क्वेश्चंस के दो भाग पढ़ेंगे, एक भाग में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम पूरे प्रश्न पढ़ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे अच्छे से देख लें। सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है, अभिप्राय क्या है, अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, तुलनात्मक राजनीति का संबंध विभिन्न शासन पद्धतियों के अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययन से है। यानी हमारे विश्व में जितनी भी शासन पद्धतियां हैं, अर्थात शासन करने के जितने भी सिस्टम हैं, उन सिस्टमों से हमें क्या अनुभव हुआ, वो उनकी संस्थाएं, उनके व्यवहार, उनकी प्रक्रियाएं, उन सभी का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति है। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो इसमें आपको उपयोगिता लिखनी है कि राजनीतिक व्यवस्था के सांदर्भिक तत्वों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है। तो आप तो इतनी लिख दीजिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है, या नेशनल और इंटरनेशनल जो राजनीतिक संबंध है उनका जो व्यवहार है, विभिन्न देशों की जो शासन पद्धतियां हैं उनको समझने में तुलनात्मक राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति की फ्रीमैन ने क्या परिभाषा दी है, फ्रीमैन इनकी क्या परिभाषा देते हैं, देखिए फ्रीमैन लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण, यानी तुलनात्मक विवेचना करनी और उनका विश्लेषण करने का काम जो है फ्रीमैन के अनुसार। क्षैतिज तुलना से क्या अर्थ है, देखिए एक तो लंबवत तुलना होती है, एक तो हॉरिजेंटल होती है और एक ये क्षैतिज तुलना होती है। जैसे क्षैतिज तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करना होता है। क्षैतिज तुलना का अर्थ होता है एक ही देश की विभिन्न समयों में, अलग अलग काल में जो सरकारें रही है उन सरकारों की तुलना करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक जितने भी जो शासन स्थापित हुए उन शासनों में जो सरकारें थी उन सरकारों की तुलना करना क्षैतिज तुलना के अंतर्गत आता है। लंबवत तुलना क्या है, देखिए लंबवत तुलना, लंबवत तुलना के अंतर्गत एक ही देश की विभिन्न राजनीतिक इकाइयां और प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना है। एक ही देश की विभिन्न जो राजनीतिक इकाइयां, यूं कह सकते हैं कि जैसे अपने देश में लोकतंत्र की जो विभिन्न या राजनीति की जो विभिन्न इकाइयां हैं, राजनीति के जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों का और उनकी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय मुख्यतः राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं के, राज्य से संबंधित जितनी भी जो औपचारिक संस्थाएं हैं, यानी औपचारिक संस्थाएं कह सकते हैं कि सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं उन सरकारी संस्थाओं के अध्ययन करने का अर्थ है तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण। दो तरह के दृष्टिकोण है, परंपरागत है और एक है आपके जिसको आधुनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है और अनुभविक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। आधुनिक कह दो, अनुभविक दृष्टिकोण कह दो, व्यवहारवादी दृष्टिकोण कह दो, ये तीनों एक ही है। प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की कोई दो विशेषताएं। आधुनिक दृष्टिकोण में एक तो राजनीतिक व्यवहार पर, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देना, दो विशेषताओं, पहली बात है राजनीतिक जो व्यवहार है उस पर बल देना, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक। विश्लेषणात्मक यानी जितनी भी जो संस्थाएं हैं, जैसे सरकार की जो पद्धतियां हैं, सरकार के जो अंग हैं, उनके कार्यों का, उनके संगठन का,
उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। माना नहीं जाता है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण में क्या होता है, स्वीकार करना होता है, इसमें स्वीकार नहीं करना होता। इसमें क्या होता है कि उनकी व्याख्या की जाती है, जनता के सामने रखा जाता है कि इस शासन से ये फायदा है, तो विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है। परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है, प्रश्न आ जाता है। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण, जहां औपचारिक कानूनी और संस्थागत होते हैं, औपचारिक कानूनी तथा संस्थागत है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है, ये तो है राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है और यह है औपचारिक कानूनी और संस्थागत है, तो ये इतना अंतर है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्ग में आने वाली किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनके बारे में। संवैधानिक व्यवस्था तथा राजनीतिक वास्तविकता के मध्य अंतर है। दूसरा है पर्याप्त सूचना और तथ्य प्राप्त नहीं होते, इनके मार्ग में आने वाली पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, पर्याप्त तथ्य प्राप्त नहीं होते, इनके अभाव में उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो अधूरा रह जाता है। अब जैसे बड़े प्रश्न आते हैं, जो 4-5 अंकों वाले प्रश्न आते हैं, 4-4, 5-5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, उनमें से प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तब आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से है। राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी जैसे एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था से तुलना करना, ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और उनके राजनीतिक व्यवहार का इस प्रकार अध्ययन किया जाता है कि उनकी समानता असमानता का ज्ञान हो सके, उनके स्पष्टीकरण देने और उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सके। यानी एक देश के संविधान की तुलना दूसरे देश के संविधान से, दूसरे एक देश की राजनीति की तुलना दूसरे देश की राजनीति से या शासन पद्धति से की जाती है। उनकी समानता और उनके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उनके बारे में, यानी जैसे जब दोनों देशों का अध्ययन किया जाता है और दोनों देशों की शासन व्यवस्था में यदि कोई समानता पाई जाती है तो उसके वो सिद्धांत बन जाते हैं, यानी उस व्यवस्था के वो सिद्धांत बन जाते हैं। जैसे विश्व में किस तरह की सरकारें प्रचलित, अध्यक्षात्मक सरकार है, संसदीय सरकार है, यानी जैसे जैसे कहीं पर उपयोगितावादी शासन व्यवस्था है, कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था है, तो इन सभी शासन व्यवस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक राजनीति है, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति में दो तरह की, एक तो लंबवत तुलना होती है और एक अमरांती तुलना होती है। लंबवत तुलना में क्या होता है कि इससे जो लंबवत तुलना होती है इसमें एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें और उनको प्रभावित करने वाला जो राजनीतिक व्यवहार है उनका अध्ययन किया जाता है। लंबवत में क्या होता है, एक ही देश में जो विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें हैं, एक ही देश में जो सरकारें स्थापित हुई विभिन्न कालों में विभिन्न समयों में, उनकी तुलना की जाती है। और अमरांती तुलना में इसकी दो प्रकार से होती है, एक तो अमरांती तुलना दो प्रकार से होती है, कैसी? एक तो एक ही देश की विभिन्न कालों में जो राष्ट्रीय सरकारें रही, दूसरी राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व विद्यमान है, उनकी तुलना, यानी एक तो उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है उससे राष्ट्रीय सरकार का, यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो शासन पद्धति है उसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा है प्रश्न, जैसे तुलनात्मक राजनीति कोई दो परिभाषाएं लिखी, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं किन्हीं दो वर्तमान लेखकों की, देख लीजिए एम कार्टिस की ले लीजिए। एक तो एम कार्टिस कहता है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली नियमितताओं, समानताओं, असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है, यानी राजनीतिक संस्था और राजनीतिक व्यवहार, इनकी जो कार्यप्रणाली नियमितताएं, समानताएं, असमानताएं, यानी इनका अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति का विषय है। एडवर्ड फ्रीमैन की ले लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं, सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है, ये हमने पहले ही समझ लिया है। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में कोई तीन अंतर बताइए। तुलनात्मक शासन में और तुलनात्मक राजनीति में क्या, शासन और राजनीति में थोड़ा अंतर है। शासन एक संक्षिप्त है और राजनीति व्यापक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। शासन तुलनात्मक शासन का क्षेत्र सीमित है और तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक। राजनीति जो है इसका अध्ययन जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी व्यापक है, लेकिन शासन जो है
वो एक अलग चीज है। शासन यानी एक सीमित जगह होती है, वहां का भी शासन होता है। जैसे अपने भारत है तो इसमें भी शासन व्यवस्था के कई रूप देखने को मिल जाते हैं। तुलनात्मक शासन में मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति है वो मूल्य निरपेक्षता पर बल देती है। तो तुलनात्मक जो शासन है, शासन में तो मूल्यों पर बल दिया जाता है और इसमें ये मूल्य निरपेक्ष होती है। तुलनात्मक सरकार में भविष्यवाणी संभव नहीं है, तुलनात्मक राजनीति में भविष्यवाणी संभव है। यानी राजनीति का अर्थ तो हम यूं कह सकते हैं कि शासन का प्रकार है, शासन की कौन सी पद्धति है, वहां पे कौन सी पद्धति है। तो जैसे मान लो भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के भी कई रूप देखने को मिलते हैं। तो उनकी क्या है कि लोकतंत्र के बारे में कई भविष्यवाणियां संभव है, तो यहां पर क्या है कि राजनीति में भविष्यवाणी संभव है जबकि सरकार में भविष्यवाणी संभव नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कौन सा है वो बताइए। क्षेत्र देखिए दो दृष्टिकोण है इसमें, एक परंपरागत दृष्टिकोण है एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में संविधान और कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की तुलना की जाती है। संविधान के द्वारा जो कानून और संस्थाएं स्थापित की गई है उनकी तुलना की जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण में क्या होता है, आधुनिक दृष्टिकोण में राजकीय संस्थाओं और गैर राजकीय संस्थाओं का जो राजनीतिक व्यवहार है उससे संबंधित जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन तथ्यों की यानी एक पद्धति से दूसरे पद्धति के बीच में तुलना की जाती है। तो वो आधुनिक दृष्टिकोण है, ये परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण की कोई चार विशेषताएं, परंपरागत दृष्टिकोण की, परंपरागत दृष्टिकोण की चार विशेषताओं, पहली विशेषता है परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के तीन प्रधानतः विवरणात्मक, या आप इतने लिख दो पहला ये कि विवरणात्मक अध्ययन है, ठीक है। दूसरा, ये दृष्टिकोण पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि में बंधा हुआ है। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो पाश्चात्य राज्यों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके छोटी सी परिधि में यानी संकीर्ण है। तीसरी है, यह दृष्टिकोण आदर्शवादी और मूल्यपरक है। चौथा है, यह दृष्टिकोण कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। तो ये चार, आप इस चार इनकी विशेषताएं देख सकते हैं। अब आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं पूछ ली जाती है तब आप क्या लिखेंगे कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का एक तो क्षेत्र व्यापक है, बड़े क्षेत्र तक की जाती है, इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक है, इसमें अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यह है व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अपनाते हैं, इसमें विकसित और विकासशील सभी देशों की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ये इसकी विशेषताएं हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। तुलनात्मक राजनीति की कोई तीन आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक राजनीति की कोई तीन आधुनिक प्रवृत्तियां, देखिए आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने अधिक व्यापक विशेष क्षेत्र की तलाश कर इसके वैश्विक क्षेत्र को व्यापक बनाया। इसकी प्रवृत्तियों में पहली बात है कि तुलनात्मक राजनीति ने राजनीतिक क्षेत्र को व्यापक बनाया है, पहली बात तो, यानी बड़े स्तर पर इसको हाईलाइट किया है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति में यथार्थवाद की खोज की जाती है, यथार्थवाद की प्रवृत्ति है इसमें। तीसरी है, तुलनात्मक राजनीति में सुनिश्चित निष्कर्षों की आवश्यकता ने अध्ययन की परिशुद्धता को अनिवार्य बना दिया, यानी इसमें सुनिश्चित निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिससे क्या होता है कि अध्ययन अधिक परिशुद्ध हो जाता है। प्रश्न आ जाता है कि आप परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या क्या अंतर है, परंपरागत दृष्टिकोण में क्या अंतर है, आधुनिक दृष्टिकोण में दोनों में अंतर देखिए। परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक कानूनी और संस्थात्मक था, आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक और विवरणात्मक थी, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धति व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक है। यानी जो भी शासन व्यवस्था है उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और अनुभव से हमें क्या प्राप्त हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण सरकारों और संस्थाओं की व्याख्या तक सीमित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का ध्येय समस्या समाधानात्मक है, यानी यहाँ पर मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं, समाज है, जितना भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रश्न आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के कोई चार महत्व बताइए। तुलनात्मक राजनीति की चार महत्व, पहली बात है राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, पहला राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा है, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ को समझने में सहायता मिलती है, राजनीतिक व्यवस्था का को व्यवहार में या राजनीतिक व्यवहार को जब हमें समझने में सहायता। दूसरी बात है, राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ है, यानी जैसे मान लो, अगर मान लो ये गणतंत्र है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कब से शुरू हुई, उसका संदर्भ हमें देखना होता है, कहां से यह शुरू हुई। शासन व राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के गुण दोषों का ज्ञान, यहां से लिख लो आप, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के गुण दोषों का ज्ञान होता है। इसके अलावा शास्त्र के, ये राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण और नियमों के निरूपण के लिए भी ये इससे संभव है, यानी राजनीति शास्त्र के सिद्धांत और नियम बनाने में भी यह सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए, प्रमुख उद्देश्य एक तो है दार्शनिक स्वज्ञान, स्वज्ञान प्राप्त करना। स्वज्ञान यानी कहने का अर्थ है कि राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, स्वज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है सैद्धांतिक और अनुभव ज्ञान को एकत्रित करके उसे व्यवस्थित और विकसित करना। जितना आज मानव ने अनुभव किया है उस ज्ञान को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करके उसको व्यवस्थित करना, विकसित करना और मानव कल्याण के लिए लागू करना, ये दूसरा उद्देश्य। आधुनिक विश्व के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके द्वारा राजनीतिक समस्याओं के विश्लेषण, विकास और जटिल राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजना, यानी जटिल से जटिल जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने के लिए भी तुलनात्मक राजनीति का उपयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों के निर्धारण में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। तो ये चार जो है इसके उद्देश्य देखे जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी। तुलनात्मक राजनीति, एक तो आप जानते हैं पर्याप्त सूचनाएं में नहीं मिलती, तथ्यों का अभाव होता है, इसमें सिद्धांत निर्माण की भी समस्या होती है। जब पूरे तथ्य और सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है तो पूर्णतः यानी पुख्ता सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। तीसरी है संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य अंतर पाए, संवैधानिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में अंतर होता है। मूल्यों तथा व्यवहार के आपसी संबंधों की समस्या होती है। मानव व्यवहार की परिवर्तनशील प्रकृति, तुलनात्मक अध्ययन की सीमाओं का के निर्धारण की समस्या, ये छह जो है समस्याएं आती है। प्रश्न आता है तुलनात्मक राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु कोई सुझाव, तो आपको एक तो लिखना है तुल्य स्थिति की संख्या में हर संभव वृद्धि की जानी है, विश्लेषण के गुण अंतराल में कमी की जानी है, तीसरा तुलनात्मक विश्लेषण को तुलना योग्य स्थिति पर केंद्रित किया जाना है, इसके अलावा तुलनात्मक विश्लेषण को प्रमुख प्रवृत्तियों पर केंद्रित किया जाना है। तो ये आपके प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों से आपने बहुत कुछ सीखा है। इस पाठ को पहले पढ़ाया हुआ है उसमें आप देखिए पूरा समझ में आ जाएगा, फिर इन प्रश्नों को देख लीजिए, मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। और अगला आपके सभी विषयों के जो लेसन है वो शुरू हो गए हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिंदी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आप इनको उनका अध्ययन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।